नमस्कार, वीके न्यूज एमपी पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अमन शुक्ला। मध्य प्रदेश गजब है, इसलिए यहाँ से अक्सर ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन पर एक बार को तो विश्वास करना भी मुश्किल लगता है। इसी के चलते फिर से सिंगरौली से एक अजीबोगरीब हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एमपी के आदिवासी बहुल इलाके में झगड़ा निपटाने गई पुलिस खुद ही अजीब वारदात का शिकार हो गई। नशे में लेटे एक आरोपी के पास जैसे ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पहुंचा तो उसने कान ही खा लिया और फिर कुएं में कूद गया, जिसके बाद उसे कुएं से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो बोला कि भूत के कहने पर कच्चा मांस खाने के लिए मैंने एसआई का कान खाया था। दरअसल पूरा मामला सिंगरौली जिले के आदिवासी बहुल इलाके सरई थाना के अंतर्गत तीनगुड़ी चौकी का है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आदिवासी ग्रामीण शराब के नशे में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसआई इंद्राज मिश्रा अपने पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल के लिए फौरन रवाना हुए। मौके पर जाकर देखा तो आदिवासी झगड़ा कर रहे थे, जिसके बाद कई लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। इसी दौरान आरोपी देवधर्म सिंह गौड़ शराब के नशे में सड़क पर लेटा हुआ था। एसआई जैसे ही उसके पास पहुंचे, आरोपी ने दांत से एसआई इंद्राज मिश्रा कान काटकर कुएं में कूद गया। जिसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने मानवता का परिचय देते हुए आरोपी कुएं से बाहर निकाला और सरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं हालात गंभीर होने के बाद एसआई को रीवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं आरोपी ने बताया कि भूत के कहने पर मैंने कंचा मांस खाया था। फिलहाल आरोपी ने जो किया उसके लिए उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन आरोपी जिस तरह से बार बार कह रहा है कि भूत के कहने पर उसने कच्चा मांस खाया है, यह बात कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या वाकई में उसको ऐसा करने के लिए भूत ने कहा था, या फिर इसने जो किया वो सब शराब के नशे में हुआ था और शराब के नशे में की गई एक गलती थी और कुछ नहीं। और आरोपी की मानसिक स्थिति कैसी है इसकी भी जांच की जानी चाहिए और उसी के हिसाब से आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। खबर पसंद आए तो शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।